खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। खबर स्टेशन में आज हम आपको बताएंगे एलियंस के बारे में। एलियंस की मूवी आपने बहुत देखी होगी और आपने सुना भी होगा, टीवी सीरियल्स में भी एलियन को आपने देखा होगा, किताबों के जरिए भी आपने एलियंस को जाना होगा। धरती के ऊपर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ एलियंस आते हैं, लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत जगह है जहाँ एलियन देखे गए हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के एलियंस के रास्ते कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां वो आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं, पूरी मिस्ट्री जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धरती पर रहने वाले इंसान अपनी जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए दूसरी ग्रहों पर जाते हैं, ठीक वैसे ही एलियंस भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए धरती पर लगातार आ रहे हैं। एलियंस को लेकर लगातार वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज खोज वर्ल्ड में हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में जान लेते हैं जो हिंदुस्तान में है और जहाँ एलियंस लगातार आते रहते हैं। वो पहली जगह है हिमालय। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित हैं। संसार के 100 सबसे बड़े शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं जहां कोई इंसान जा नहीं सकता। हिमालय के इन्हीं पर्वतों के अंदर एलियंस के अंडरग्राउंड क्षेत्र हैं। सन 2010 में भारतीय सेना की एक यूनिट ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कुछ अनजान चीज UFO जैसी उड़ती दिखाई दी और स्थानीय लोगों ने भी कई बार यहाँ ऐसी चीजें उड़ती देखी। उनका कहना है कि यहाँ पर एलियंस के अंडरग्राउंड क्षेत्र हैं और ये जगह एकदम अनजान होने के कारण कोई उनको देख नहीं सकता। लगभग 100 सालों से एलियंस वहाँ रहते हैं। ऐसी ही दूसरी जगह है नयागढ़, ओडिशा। नयागढ़ ओडिशा का एक ऐसा छोटा सा जिला है जहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ इंसान कम जाते हैं। ये जिला उस समय चर्चा में आया जब 31 मई 1947 को कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ एक प्लेट के समान एक यान को उड़ते देखा और वह बिल्कुल UFO जैसा था, यानी कि एलियंस के यान जैसा। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद अमेरिका की वायुसेना ने एक उड़न तश्तरी यान के जैसी एक चीज को बरामद करने का दावा किया। ऐसे में ये माना जाता है कि नयागढ़ ओडिशा एलियंस का पुराने समय में घर हुआ करता था। तीसरा है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और कहा जाता है कि यह जगह दुनिया की कुछ विचित्र जगहों में से एक है। ये जगह सदा से ही चर्चित रही है क्योंकि इस जगह पर डायनासोर के अंडे भी मिले थे और बड़े बड़े जीवों के यहाँ कंकाल भी पाए गए थे। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एलियंस आते हैं, उनके कुछ सबूत भी यहाँ मिले हैं क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने एलियन की UFO की तस्वीरें बनाकर वैज्ञानिकों को दिखाई। उसके बाद से यहाँ एक प्रयोगशाला बनाई गई है ताकि यहाँ एलियंस होने का पता लगाया जा सके और कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ एलियंस होने की संभावना भी जताई है। चौथी जगह है बस्तर की कुटुम्बसर गुफाएं, जो छत्तीसगढ़ में है। ये गुफाएं बहुत ही पुराने समय से अस्तित्व में है। इन गुफाओं को वैज्ञानिकों ने एलियंस का घर करार दिया था क्योंकि इन गुफाओं के अंदर कुछ ऐसी चित्रकारी है जो करीब 10,000 साल पुरानी है और इनके अंदर साफ साफ एलियंस को UFO से उतरते हुए दिखाया गया है, जिनके सिर के ऊपर हेलमेट और एंटीना भी थे। इसलिए ये गुफाएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और वैज्ञानिकों ने यहाँ बहुत सी रिसर्च की है और एलियंस होने के सबूत भी ढूंढे हैं। अगली है अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये दुनिया भर की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। यहाँ करीब आज से 4,000 साल पहले बनाए हुए गुफाओं के जो चित्र हैं, उनको देखने के लिए पर्यटक आज भी खिंचे चले आते हैं। ये प्राचीन सभ्यता की महत्वपूर्ण निशानी मानी जाती है। इन्हीं गुफाओं को एलियंस का घर कहा जाता है और कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर नीचे अंडरग्राउंड एलियंस के रहने की व्यवस्था है। इन गुफाओं को आज भी कोई नहीं बना सकता, चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की की हो, लेकिन आज भी वो इन गुफाओं को बनाने में सक्षम नहीं है क्योंकि इन गुफाओं के अंदर करीब 40,00,000 टन पत्थर पर कलाकारी की गई है। ये गुफाएं इतनी सुंदर हैं कि उनको देखने के लिए सैलानी खींचे चले आते हैं। इन गुफाओं में एक कैलाश मंदिर भी है जिसको बनाने में कहा जाता है कि एलियंस का हाथ था क्योंकि 4,000 साल पहले ऐसी कलाकारी शायद कोई नहीं कर सकता था। तो खुद सोचिए कि आज से करीब 4,000 साल पहले उस सभ्यता को जब विज्ञान का ज्ञान नहीं था तो 40,00,000 टन पत्थर पर इंजीनियरिंग कैसे की गई होगी।
की बातें मानते हुए अंदाजा भी लगाया जाता है कि यहाँ एलियंस आए थे और शायद ये एलियंस का उस समय से हिंदुस्तान में घर है। छठवा है शोर टेम्पल महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर भगवान गणेश का है और ये समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर की चोटी रॉकेट के आकार की बनाई गई है। इस मंदिर के बीचों बीच एक होल बनाया गया है और ये इतना परफेक्ट है, कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में एलियंस का हाथ था, क्योंकि उसके ऊपर जो आकृति बनाई गई है वो रॉकेट के आकार की है। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि ये उस समय आकृति नहीं बनाई जा सकती, और बीच में एक अंदर मेन होल बनाया गया है वो इतना परफेक्ट है, जिसे कहा जाता है कि ये एलियंस का घर है और यहीं से वो रॉकेट लॉन्च करते थे। सातवीं और लास्ट जगह है द्वारका, जो कि गुजरात में है। ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। द्वारका समुद्र के किनारे बसा है और ये बहुत ही अत्याधुनिक शहर है। बहुत समय पहले कहा जाता है कि ये शहर पानी में डूब गया था। कहते हैं कि ये शहर एलियंस ने बसाया था और किसी बात पर गुस्सा होकर एलियंस ने उसको पानी में डुबो दिया था। कुछ वैज्ञानिकों को रिसर्च में एलियन के अवशेष भी मिले। बाद में माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने दोबारा इस शहर का निर्माण किया। तो ये थी मिस्ट्री। अब ये कितनी ठीक है, क्या ठीक है, ये हम आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते, और ये आप ही तय कीजिए कि एलियंस होते हैं या नहीं। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और रोमांचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।